लेकिन यहाँ अलग ही खेल चल रहा है, यहाँ विचित्र ही या उल्टी ही गंगा बह रही है। आंख पर पट्टी और मुंह में दही जमाने का काम हुआ है। ये उस कायर तानाशाह का डर दिखाता है जो भागा भागा फिरता है लेकिन देश के सामने आकर देश को ये भरोसा नहीं दिलाता कि सब कुछ नियंत्रण में है। अगर वो घबराता नहीं तो 15 सांसदों को निलंबित नहीं करता। निलंबन इसलिए हुआ क्योंकि सवाल से घबराए घबराए भागे फिर रहे हमारे प्रधानमंत्री। 76% बढ़ गया निलंबन मोदी जी की नाक के नीचे जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं, क्योंकि साहब को ना सवाल नहीं पसंद। सवाल पूछने वाले उनका टाइम बर्बाद करते हैं, सवाल पूछने वालों के लिए संसद में कोई जगह नहीं। कल देश के सदन में सुरक्षा की भारी चूक हुई और सबको लगा कि इसको गंभीरता से लेकर सरकार आएगी सामने और एक वक्तव्य देगी कि ऐसी सेंधमारी हुई कैसे। सरकार लोगों को भरोसे में लेगी, उनको यह आश्वासन देगी कि स्थिति नियंत्रण में है, सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। लेकिन यहां अलग ही खेल चल रहा है, यहां विचित्र ही या उल्टी ही गंगा बह रही है। यहां 15 सांसदों को निलंबित कर दिया गया जिसमें से 9 कांग्रेस के थे। उनका क्या गुनाह था? उनका यह गुनाह था कि वो पूछ रहे थे सरकार से कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। आखिर जिस जगह परिंदा नहीं जा सकता, जहां पर फोन लेकर कोई नहीं जा सकता, वहां लोग कैन लेकर कैसे घुस गए और सदन को धुएं से कैसे भर दिया। और खेल सुनिए कितना गजब हो रहा है, कितना विचित्र है। एक बेचारे सांसद महोदय तमिलनाडु से हैं, वो सदन में तो छोड़ दीजिए नई दिल्ली में भी नहीं थे, उनका भी निलंबन कर दिया गया। मतलब किस बुद्धि के ये लोग हैं ये यही बता सकते हैं। और सबसे बड़ी विचित्र बात ये है कि विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया जा रहा है लेकिन जिस सांसद के चलते ये लोग अंदर आए, जिसने उनके प्रवेश पासेस बनवाए, जिसने सिफारिश करी, हस्ताक्षर किए, प्रताप सिम्मा मैसूर का भाजपा का सांसद, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसका कोई निलंबन नहीं, उससे कोई पूछताछ नहीं। बिल्कुल आंख पर पट्टी और मुंह में दही जमाने का काम हुआ है। पर निलंबन पहली बार तो हुआ नहीं है, निलंबन तो मॉनसून सेशन में भी हुआ था। हमारे लीडर अधीर रंजन चौधरी जी को निलंबित कर दिया गया था, राज्यसभा से भी बड़े बड़े नेताओं का निलंबन हुआ था। 176% बढ़ गया निलंबन मोदी जी की नाक के नीचे जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं, क्योंकि साहब को ना सवाल नहीं पसंद है। सवाल पूछने वाले उनका टाइम बर्बाद करते हैं, सवाल पूछने वालों के लिए संसद में कोई जगह नहीं है, सवाल पूछने वालों को बाहर कर दिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा। लेकिन आपको एक बात पता है, ये उस कायर तानाशाह का डर दिखाता है जो भागा भागा फिरता है लेकिन देश के सामने आकर देश को यह भरोसा नहीं दिलाता कि सब कुछ नियंत्रण में है, कि स्थिति संभली हुई है, कि सुरक्षा की चिंता करने की कोई जगह नहीं है। अगर वो घबराता नहीं तो 15 सांसदों को निलंबित नहीं करता। निलंबन इसलिए हुआ क्योंकि सवाल से घबराए घबराए भागे फिर रहे हमारे प्रधानमंत्री जी।